फसलों से भर ऊंची उड़ान, चल झूले आसमान। एक दो तीन चार, लगा हुनर पे चार चार, चल हो जा तैयार। डांसिंग स्टार, डांसिंग स्टार, ये डांसिंग स्टार। नमस्कार, असीम शुभकामनाओं के साथ तहे दिल से स्वागत। मैं तनिष चौधरी और मैं आराध्या सोमवंशी। टुगेदर वी वेलकम आवर गेस्ट गैदर हियर, दोस हु ट्रैवल फार एंड दोस दैट ड्रोव नियर। यू मे सिंग एंड क्लैप टुडे, मोस्ट ऑफ ऑल मे गॉड ब्लेस दिस डे। वी होप यू टू प्लीज बी विद अस एंड व्हाट वी डू, होप यू एंजॉय इट विद होल प्लेजर। The day is special, and special are all the people present for the occasion. आज है वो खुशनुमा मौका जहां हम सब इकट्ठे हुए हैं for the grand finale of first online dance reality show Dancing Stars BBS Hunar Ki Khoj, presented by Bal Bhavan Group of Schools. We have our lovely, beautiful participants, their friends and family, our dear teachers, and all of us are about to witness a magnificent grand finale. Dance, the dance of life. Let the wheels turn, dance around the season. Let the fire in you burn, inspire passion, inspire hope. Inspire joy and dance. ये बात तो बिल्कुल सही कही है राध्या। वैसे क्या, कौन सी बात? ये अराउंड द सीजंस वाली। वो कैसे? अरे आई रिमेम्बर, हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, सो विंटर स्प्रिंग एंड नाउ समर सीजन, समझे? अरे तनिष, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतरीन कर दिखाने में तो वक्त तो लगता है, और इसी बीते वक्त की कुछ घड़ियां, कुछ लम्हे चुरा कर हम लाए हैं आपके लिए। तो ले चलते हैं आपको यादों के सफर में। एक जज्बा उठा कुछ अलग, कुछ नया कर दिखाने का, और पूरे जोश के साथ शुरुआत हुई एक यादगार खुशनुमा सफर की, डांसिंग स्टार्स BBIS हुनर की खोज। डांस के लिए दीवानगी, डांस के लिए पैशन, बस इसी हुनर की खोज में हम सब चल पड़े अपने ओपन ऑडिशन राउंड के साथ। कई पड़ाव आए, कई मंजिलें आई, कई थीम्स और कई चैलेंजेस, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, कई बार रुकना थमना भी पड़ा, पर हौसला, हिम्मत, मेहनत सब अपनी जगह कायम। टॉप 30 से टॉप 15 हुए, और कंपटीशन और टफ, और ज्यादा टफ होता चला गया, और आज हम हैं यहाँ हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट के साथ। तो बस हो जाइए तैयार, देखने को टैलेंट बेशुमार। सच में राध्या, वैसे सही कहा था, मतलब अब लग रहा है कि इतना सब कुछ इतने कम वक्त में हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हमने ये सब किया सबकी दुआओं के साथ, हमारे इस इवेंट को वाकई मिला है बेशुमार प्यार और अपनापन। तो इस मौके पर फिर से एक बार धूम मचाने स्टेज पर आ रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। Let's welcome the participants and see for ourselves what they are going to present. So let's welcome them with huge round of applause.
रोटी ना देगा ना खाना की ना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमी ना देगा छाने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा खाली में कटोरा लेकर आलू भात मुड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का मानेना हम एक पे एक भरी है सिर्फ जितने चाहे मारो नंदन 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 दो दिल वालों के दिल वालों के दिल का करार लूटने हमारे है यूपी बिहार लूटने हम चौंके जो देखे वही चौंके जब निकले मारे सिक्सर और सारी दुनिया जाने और मस्तियों के हम फिक्सर यार दोनों का मिक्सर हर जगह मारे सिक्सर सारी दुनिया ये जाने मस्तियों के हम फिक्सर हम एक को एक ही लेवन हम एक के 47 और गोली बादल बन के हम तो भर के आए सुन लिए आपने यूपी के बोल आता आयका महाराष्ट्र से ढोल आम्ही अमातीचे पुत्र आहोत आम्ही हजारीचे राजे आहोत आमच्या रक्तामध्ये आग आहे आमच्या छातीमध्ये वाघ आहे आमचं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सो
तू उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा बंदिया नु सुनी उत्ते टंगी रख दे मेरा टिकी बल वार वर्गा बंदिया नु सुनी उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा टिकी बल वार वर्गा शुरुआत तो हो ही नहीं सकती, सच में लाजवाब परफॉर्मेंस ही है। बिल्कुल सही कहा आराध्या तुमने, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू कम अप ऑन द स्टेज प्लीज। सच में आप लोगों ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, एक बार दोबारा तालियां तो बनती हैं इनके लिए। सो सबसे पहले वैभवी, मैं पूछना चाहती हूँ आज तक मतलब जो आपका सफर रहा है, कैसा सफर रहा है, क्या एक्सपीरियंस आपने पाया है हमारे इस मंच से? मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है और मेरा एक्सपीरियंस तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार इतने बड़े कंपटीशन में इतने बड़े स्टेज पे 650 बच्चों में से टॉप 8 की जगह बनाने की कोशिश की और मैं टॉप 10 तक आई। तो थैंक यू BBIS की टीम को और सबको, और ये मेरा मतलब बेस्ट जर्नी एवर है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका पार्ट होके। थैंक यू वेरी मच वैभव भाई। सो पीयूष, तुम्हारे लिए कोई मेमोरेबल मोमेंट रही होगी इस पूरी जर्नी में? मेरे लिए सारे मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि मेरे को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं बहुत सारी, तो स्टंट्स जो पावरफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो मैंने अभी नी ड्रॉप किया, एक मैंने शोल्डर वाला किया था, और जो मैंने बैठने वाला स्टेप भी किया था एक बारी, ऐसी ऐसी नई चीज़ें मेरे को सीखने को मिली है, वो भी बहुत मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट थे। अच्छा, तो थैंक यू पीयूष। बहुत सब ने मतलब बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे मूवमेंट्स बना रखे हैं, वो गिनना तो हमारी उंगली तो कम पड़ जाएगी गिनने, वो सब इसके ट्रेजर बॉक्स में है।
पीयूष का सीक्रेट ट्रेजर बॉक्स। तो अब चलते हैं विभूति के पास। विभूति, मैं पूछना चाहूँगी कि आपको हमारा ये स्टेज कैसा लगा? कोई ऐसी खास बात जो आपको दिल को बहुत छू गई हो, या कोई आपका कैसा है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे शो के बारे में? मेरा प्लेजर था कि मैं इस शो का एक पार्ट बनी, क्योंकि जब लॉकडाउन में कुछ था नहीं तो डांस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड यहाँ पे आके मतलब सारे जजेस का सपोर्ट, वो भी बहुत बड़ी बात थी। एंड अगर मतलब पहले वाले परफॉर्मेंस में जैसे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जजेस से, तो आगे और अच्छा करने की भी थोड़ी मोटिवेशन मिली थी। तो ये बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके दे बिल्ड अप द स्ट्रेंथ एंड टू डू समथिंग अक्रॉस द बॉक्स, सो दैट हेल्प मी मोस्ट। थैंक यू वेरी मच। सो अनुष्का, मतलब आपके लिए कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको पसंद आ गई उस शो के बारे में, शो से रिलेटेड कोई ऐसी चीज लगी हो? ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं थी, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से की गई थी। जैसे सेटअप बनाना लॉकडाउन में इस कोरोना वायरस के टाइम में बहुत बड़ी बात है। इतना अच्छा सेटअप बनाना, जैसे कि हम एकदम जैसे जो रियल जो टीवी पे आते हैं शोज, उन्हीं के जैसा एकदम सेट था, कुछ डिफरेंट नहीं था। बढ़िया एकदम। Thank you for your answer. Thank you. So, I request all the participants to have your seats, please. Thank you very much. Itni fantastic performance dene ke liye. Ek baar dobara zordar taaliyan. So now let's move on with the show. I'm sure ye din, ye event, ye puri journey sabko yaad rahegi. कुछ ऐसी ही यादें लेकर आज हमारे साथ हैं एक सेलिब्रिटी, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक फेमस सिंगर और हमारे स्कूल की एक एक्स स्टूडेंट। प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड वेलकम नाइटिंगेल ऑफ बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल मिस मैथिली ठाकुर एंड अलोंग विद हिम ऋषभ ठाकुर। सबसे पहले थैंक यू सो मच BBIS को कि हमें आज बुलाएं इतने स्पेशल दिन पर, जिनमें जिस दिन आज ग्रैंड फिनाले हो रहा है शो का। बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी टीचर्स जो भी मेरे सामने बैठी है, सारे पेरेंट्स हैं, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सभी को नमस्ते। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस अपने स्कूल में और अपने स्टेज पे आ करके। तो मैं जैसे होली अप्रोचिंग है, तो एक आप सभी को होली सुना देना चाहती हूँ। Oh,
है। जब शंकर भगवान की होली की बात होती है वो पूरी विपरीत होती है। बाद मतलब इतने टाइम बाद स्कूल में आए हो तो क्या कोई मेमोरी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, मतलब कोई स्कूल लाइफ से कुछ शेयर करना चाहोगे आप? मैं जब भी स्कूल के बारे में सोचती हूँ तो हमारे स्कूल के टीचर्स मुझे सबसे पहले दिमाग में घूमने लगते कि अरे कंप्यूटर वाली मैम, हिंदी वाली मैम, इंग्लिश वाली मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, शुभा मैम, पीयूष सर, संजय सर और हमारे स्पोर्ट्स वाले सर, राजीव सर, मतलब इतने सारे नाम आते ना दिमाग में, तो वही बस यही सब चीज़ें आती है। और वो सारे मोमेंट्स जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं स्टेज पे, हर साल एनुअल फंक्शन के लिए हम लोग जो प्रिपरेशंस करते थे, एग्जीबिशंस लगता था, ये सब चीज़ें याद आने शुरू हो जाती है। जी हाँ, वो तो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, मतलब अब तक का जो आपका म्यूज़िकल करियर है, मीन्स उससे आप कुछ, मतलब हम सबको कुछ इंस्पायर करना चाहेंगे आप? अभी तो मैंने शुरू किया है गाना सीखना और बस जितने भी इधर पार्टिसिपेंट्स हैं सब ऐसे ही अच्छे अच्छे से परफॉर्म करते रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कभी भी डाउन फील अगर करते हैं तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे भी होता है कि अरे आज अच्छा नहीं हुआ, कल अच्छा नहीं गाया था मैंने, कई बार ऐसा होता है स्टेज पे परफॉर्म करके आते हैं तो ऐसा फील होता है कि अरे कुछ रह गया, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसको इम्प्रूव करते रहना है डे बाई डे। Thank you very much, Maitli. We are honored to have you with us. Thank you so much. Thank you. Dance with the waves. Move with the sea. Let the rhythm of water set your soul free. Today is your day to dance. Let the life sing. Hear the music before the song is over. तो अब वो पल आ चुका है जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। टाइम टू प्रेजेंट आवर टॉप 4 फाइनलिस्ट।
तो शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी सी शोनाया के साथ। सो शोनाया प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो शोनाया, कैसे हो आप? हेलो दीदी, आई एम फाइन। सो आपसे बात करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहोगे आप? यस। तो जुल्मे ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई, जोरा जोरी जोरा जोरी जने के खेत में, सोई चोरी जने के खेत में। बाबी डॉल की तरह लग रहे हो, प्रिटी सी। थैंक यू। वो गाड़ी में नहीं होती? वैसी सी लग रही है। रेडी हो परफॉर्मेंस के लिए? यस। अच्छा, ऑल द बेस्ट। ओके, क्या बात है, आप तो पूरी जलपरी लग रही हो। इतनी सुंदर कैसे हो? हंस की रहे हो, बताओ। हैं? क्या हुआ? सांस ले लो, सांस ले लो। एक आप लॉन्ग ब्रीथ। क्या हुआ? अरे आज इसको जाओ, वैसे तो चपड़ चपड़ बोलती रहती हो। तनिष, तुम्हें पता है ना, जब भी किसी लड़की की तारीफ करते तो वो शर्मा जाती है। और हम लड़का लड़का फिर पिघल जाता है, शर्माता नहीं है। फॉर्म पर जिसने अपना कब्जा है जमाया, आ रही है स्टेज पर धूम मचाने शनाया। शनाया, शनाया। अरे आज क्या बन के आई हुई आप? छोटा डॉन, ये क्या लुंगी इतनी दी क्या उन्होंने? हैं? मजाक कर। आइए डांस कर, तुम खुद ही देख लेना मैं क्या करने वाली हूँ। क्या बात है शना, क्या बात है। इल्ला इल्ला, मेरे को डांस बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 4 इयर्स की थी, मम्मा ने मेरे को डांस क्लास में डाला था ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। मेरे को धीरे धीरे डांस बहुत अच्छा लगने लगा। ज्योति मैम, मनी दीदी मेरे को डांस में बहुत सपोर्ट करते हैं। आई लव यू ज्योति मैम, आई लव यू मनी दीदी। सबका दिल जीत लेती है शनाया, अपने टैलेंट से और अपनी प्यारी सी स्माइल से। शनाया को सब कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सबकी चहेती शनाया। ओपन राउंड से लेकर आज टॉप 4 फाइनलिस्ट की लिस्ट में, हर एक राउंड, हर एक चैलेंज, हर एक थीम, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, सब पर अपना कब्जा जमाया है शनाया ने। शनाया, बाल भवन और डांसिंग स्टार्स टीम, सबकी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस और गुड लक। सो शनाया, ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। Oh,
गया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 विस्की मैंने थोड़ी थोड़ी पी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक चिक नी 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 तब पीऊं इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक नी 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 तब पीऊं इतनी नी 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 अब शनाया के लिए तो एक बार जोरदार तालियां दोबारा गंजी क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो था। सो शनाया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा अच्छा था। ग्रैंड फिनाले की परफॉर्मेंस थी? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो पूछते हैं इस बार अपनी ऑडियंस से तो कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं हमारी प्यारी सी शनाया को? आवाज भी आनी चाहिए, शनाया का नाम भी तो होना चाहिए। yes. ये होते हैं सपोर्टर्स। तो आपकी फैमिली में कौन कौन आया? मम्मा, मैं और पापा। आप तो हो ही मम्मा और पापा हैं। हाँ। तो मम्मा और पापा को स्टेज पे बुला लिया जाए। yes. तो प्लीज शनाया के पेरेंट्स स्टेज पर आ जाएं। आपको कैसा लग रहा है कि शनाया आज ग्रैंड फिनाले में आई है और आप मतलब इसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं? बहुत अच्छा। सिर्फ बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। नहीं, बहुत 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 अच्छा, बहुत, बहुत अच्छा। क्या बात है सर। तो सर आपको भी मतलब कुछ स्पेशल लग रहा है आज? बहुत स्पेशल लग रहा है। क्या स्पेशल लग रहा है बताइए सर। कह रहे बताओ। आप तो शर्मा रहे हो सर। आखिर शनाया इतनी बोल्ड और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो कुछ नहीं। कह नहीं सकते। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। नहीं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। जी हाँ मैम, हम सबको अच्छी लगी। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब तक का आपका सफर वो भी ग्रैंड फिनाले तक इतनी प्यारी सी हमारी छोटी शनाया ने करके दिखाया है तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील हो रहा है? ये बात सर बोलेंगे। सर आप बोलिए। नहीं नहीं सर आप बोलिए ना सर। अरे सर बहुत अच्छा लगा। शनाया ने डांसिंग स्टार में बहुत नई नई चीज़ें सीखी हैं। उसको पहले कुछ भी इतना नहीं था, जितना उसका लेवल ग्रो ही किया उसने, कोई डाउन में नहीं गई अब तक। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे। ओके थैंक यू। So now let's move on with our show and welcome our next performer, Kashish. Please give a huge round of applause to Kashish. So Kashish, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब आपको उम्मीद थी कि मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुँच जाऊँगी? उम्मीद तो थी। नहीं, एक उम्मीद होती है और एक अपनी हार्डवर्कनेस होती है। हार्डवर्क की वजह से मैं हार्डवर्क की तो यही मैं सुनना चाहता था। उम्मीद के साथ साथ सबको हार्डवर्क की भी जरूरत होती है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। सो कशिश मैं पूछना चाहूंगी अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारे शो पर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला मुझे यहाँ पे। सब कुछ ही नया सीखने को मिला मुझे यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन। सो वैसे ही हमारे पास आपके लिए भी एक सरप्राइज है तो देखते हैं आपका सरप्राइज क्या है। हम यहाँ पे कशिश के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए खड़े हैं। हैप्पी बर्थडे।
देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे, दिल पे हो करते हो, वही बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वही डीमोटिवेट भी करते हैं। तो लास्ट टाइम जो भी था मतलब अच्छा था, इसकी कशिश ने काफ़ी मेहनत दी थी, लेकिन ये जो आप लोगों ने किया है कि कुछ अनसेफ हैं कुछ सेफ हैं, लेकिन अनसेफ वाला भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब तक बच्चा अनसेफ नहीं होगा वो हार्ड वर्क नहीं करेगा। करेक्ट, राइट। एंड कशिश, आप नायाब हो, लाजवाब हो, वेरी गुड, लव यू बेटा। सो डांस मेरा पैशन है, आई लव डांस, आई ईट डांस, आई स्लीप डांस। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं सिर्फ डांस करती हूँ, मेरे से और कुछ नहीं होता। तो बट मैंने डांस के लिए कोई ऐसी स्पेशली एकेडमी या क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, मैं जो भी करती हूँ मैं दूसरों को देख देख के ही सीख गई अभी तक। जब मैं डांसिंग स्टार में आई थी मैं मोस्टली फ्री स्टाइल ही अटैम्प्ट करती थी, मैं और कुछ नहीं करती थी। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मैंने और भी डिफरेंट फॉर्म्स ट्राई किए, लाइक कंटेम्प्रेरी किया, तो ये मैंने आई थिंक ठीक ठाक ही किया। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल माई पेरेंट्स, माई मेंटर्स एंड BBIS डांसिंग स्टार टीम्स फॉर प्रोवाइडिंग मी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। हर परफॉर्मेंस दमदार, धमाकेदार, एनर्जेटिक। कशिश ने हर राउंड के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को उसी हिसाब से तैयार किया और हर बाजी अपने दम पर, अपनी मेहनत पर जीतते हुए आज आ पहुंची हैं हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट में। कशिश ने जजेस के कमेंट्स को ध्यान से सुना, उसको समझते हुए अपनी वीकनेस के ऊपर काम किया और आज अपने टैलेंट के हुनर में सबसे आगे टॉप 4 की लिस्ट में। कशिश, बाल भवन परिवार और टीम डांसिंग स्टार्स विशेस यू ऑल द बेस्ट। बहुत मजे आ गए। सो रेडी हो आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए? इतना मोटिवेशन मिलने के बाद तो एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी, है ना? बिल्कुल, चलिए शुरू कर। सो ऑल द बेस्ट कशिश। थैंक यू। I'm not.
दैट वॉज अ फैंटास्टिक फैबुलस वंडरफुल परफॉर्मेंस. एक बार दोबारा जोरदार तालियां. सो कैसा लगा आपको ग्रैंड फिनाले पे परफॉर्म करना? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. तो जानते हैं हमारी ऑडियंस से कि कौन सपोर्ट कर रहा है आखिर कशिश को? आवाज ही नहीं आती मुझे कभी भी ऑडियंस से. ये बात होती है. याद है कशिश, तुम्हारे सपोर्टर तो कुछ ज्यादा ही है. खरीदे हैं क्या ये? नहीं नहीं ना, फिर ठीक है. खुद की मेहनत है कशिश की. ये बिल्कुल हार्ड वर्क या ले जाता हमें सक्सेस तक, है ना? यस, सही कहा. तो आपके साथ कौन आया आज? मम्मी और पापा. मम्मी और पापा दोनों? तो बुला ली लाए जाए स्टेज पर. तो कौन आना चाहेगा, मम्मी या पापा या दोनों? दोनों. अरे आज ही क्या हाल है? नहीं नहीं, फिर वो सुनाए के पेरेंट्स की तरह ना हो जाए ना कि आप बोलो आप बोलो. तो मैम कैसी रही आप की अब तक की जर्नी? खैर जर्नी तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और हार्डवर्क भी सबका ही था, जितने भी कंटेस्टेंट थे सबका ही था. लेकिन हमारे दो प्यारे बच्चों को भूल गए हैं, मैंने उनके लिए कुछ लाइंस प्रिपेयर की हैं, आई होप आपको पसंद आए. होस्टिंग में जिसने है जलवा दिखाया, स्टेज पर जिसने रंग है जमाया, हाजिर जवाबी में कमाल जिसका, कोई और नहीं आराध्या है नाम उसका. अब तनिष्क की बारी. एंकरिंग में है सुपीरियर, छलांग से शुरू किया है जिसने अपना करियर, एक्टिंग में है यूनिक, कोई और नहीं वो है हमारा तनिष्क. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. आप ही पेरेंट्स हैं जो मैं समझ पाया आज तक. दैट वाज रियली अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर अस, दैट मींस अ लॉट. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू वेरी मच कशिश. सर आप कुछ? मेरे को ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि जिसके अंडर में मैंने स्कूलिंग की, आज मेरी बेटी उन्हीं के अंडर में स्कूलिंग कर रही है. क्या बात है. मिस्टर संदीप गुप्ता मेरे फिजिकल टीचर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच कशिश. थैंक यू वेरी मच सर. तो इस शायरी में मदहोश होकर हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ और बुलाते हैं अक्षमा को. How are you feeling? Best feeling. Best feeling. So, कुछ कहना चाहोगे अब तक के एक्सपीरियंस के बारे में आप? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉम्पिटिशन में आना और आज फाइनलिस्ट में खड़े होना. दैट वॉज वेरी गुड. और मैं अलग चीज़ें भी सीखी और हमेशा कथक करती जाती थी, इसमें मैंने वेस्टर्न सब कुछ सीख लिया इसमें मैंने. आप हमारे लिए सरप्राइज थे इस शो पे और वैसे ही हम आपके लिए एक और सरप्राइज लेकर आए हैं. तो आइए देखते हैं आपके लिए सरप्राइज. तो आपकी परफॉर्मेंस देख के बहुत मजा आया, आपको कैसी लगी? अच्छी होगी, मुझे अच्छी लगी. और अच्छा आपको भी अच्छी लगी. वो सैलरी कितनी दे रहे हैं बॉस?
जीरो? ऐसे फ्री में कौन काम करता है, वो भी लॉकडाउन के दौरान? हमारे जैसे लोग। ये बात तो है। तो मतलब काम वाम तो ज्यादा ही होगा, बर्डन वगैरह आप पे, और वैसे अब तो काम ऑनलाइन हो गया है ना। तो और है, बस करो परफॉर्मेंस की बात करते हो, क्या उसको पूरा ब्योरा चाहिए तुम्हें? कोई जॉब वॉब निकली हुई है मेरे को भी बता दो, मैं भी भर दूंगा फॉर्म। जीरो बैठे रहो, वही जॉब, घर बैठने की जॉब, ऐसी वेले बैठे रहो अभी तो फिलहाल। वेले फिर मैं खाऊंगा क्या, अचानक को क्या खिलाऊंगा? बेचारी बोलती रहती है मेरे को। आप देखो वो तो हवा में वैसी उड़ रही होती है ना, उसके खाने की क्या जरूरत उसे? अरे भूख तो लगती है इंसान को। वो इंसान होगी तब भूख लगेगी ना। तुम्हारी नजर में नहीं है, मेरी नजर में तो इंसान है वो। तुमने बोल कैसे दिया राधिया, व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, ये जस्ट पहले थिंक ऑफ व्हाट आर यू सेइंग। ओके या इंग्लिश में मैं बोलने से पहले सोच लिया करो यार। हेलो सुमा, कैन यू हियर मी? यस मैम। All the best, beta. I've seen your performances. You are rocking, and I'm so proud of you. I hope that you will rock the stage every time you come here. Asma ko, hum dekhte hain ki ye dancing star ka jo stage mila hai school ki taraf se, ye bahut hi acha raha hai. Aur lockdown mein jo hai, staff ne jo iske liye prayas kiya hai, wo really jo hai appreciable hai. Aur hamari Asma jo hai. बीच बीच में जो है एक बार अनसेफ होकर के एक बार अनसेफ जोन में आई, और उसके बाद बहुत मेहनत की उसने, सोचा मुझे सेफ होना है, और उसके लिए उसने और उसकी टीचर ने मैम ने उसके साथ मंजू मैम ने बहुत मेहनत की, उसके बाद सेफ होते हुए आज वो इस जगह है और बहुत खुश है। और हम लोग चाहते हैं, हमने भी इसको जो है बहुत बड़ा इंजॉय किया है इस प्रोग्राम को, जो है जितना बच्चों ने किया उससे ज़्यादा हमने भी इंजॉय किया है। और आगे हम अपने अपना के लिए जो है अक्षमा एक बेहतरीन डांसर और एक बहुत अच्छी लर्नर भी। जजेस के कमेंट्स को सुना, समझा और साथ ही साथ अपने वीक पॉइंट्स को संभाला, और बस हर राउंड में एक के बाद एक बस आगे ही आगे बढ़ती चली गई। अक्षमा ने आज अपने लिए अपनी जगह खुद अपने चैलेंज से बनाई है टॉप 4 की लिस्ट में। अक्षमा आपके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाल भवन परिवार और डांसिंग स्टार्स टीम विशेस यू बेस्ट ऑफ लक। सरप्राइज बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ऐसे नहीं होता ना सरप्राइज, सब बोले अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक अलग अलग वर्ड्स तो best, आपको डिफरेंट बनाते हैं। बेस्ट भी यूज हो चुका है। ट्रिमेंडियस या व्हाट? ट्रिमेंडियस या दैट्स द वर्ड या वी गॉट इट या। तो चलिए बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, नहीं तो मैं चाड़ जाऊंगा तुम। सी ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाजे रे ढोल बाजे।
बार एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो तालियां तो रुकनी नहीं चाहिए, रुक क्यों रही है फिर? एनर्जी है सब में। हाँ, तो सपोर्टर्स कितने हैं? अक्षमा के जरा एक बार हो जाए, आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। तुम्हें लगता है सबको ना एक बारी माता जी की चौकी में जाना चाहिए, वहां पर जाकर तुम्हारी आवाज जो है ना बिल्डअप हो जाएगी, जब वो जयकारे लगवाएंगे ना तब थोड़ा हुटिंग हो जाए, है ना? क्यों अक्षय? हाँ, तो एक बार और हो जाए। यस, मैं ये सुनना चाहता था। That's the energy of the audience. हाँ, तो आपके साथ कौन है? मम्मी पापा और बहन। मम्मी पापा और बहन? हाँ। अच्छा, तो बुला लिया जाए स्टेज पे, तो आ जाइए स्टेज पे। अक्षमा के पेरेंट्स छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। सो मैं अक्षमा, ये आपकी रियल सिस्टर है ना? ये कजन सिस्टर। ओके, सो आप डांस करते हो? अक्षमा तो इतना अच्छा करती है, कुछ फिर होगा इंटरेस्ट आपका? क्या मतलब डांस करते हो? उनसे पूछो उनकी हॉबीज क्या है, क्या एक जजमेंट होना चाहिए ना, मैं जज करूँ क्योंकि अक्षमा इतनी बेहतरीन डांसर है, तो मैंने सोचा सिस्टर भी होगी। तो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तो मेरा भाई भी एक्टर है। वो मुझे तुम्हें वो तो नहीं पता। It doesn't mean ना, so think of it first, yeah? कुछ कहा नहीं जा सकता, सो आपका क्या करते हो आप? वो भी डांस करते फिर थोड़ा थोड़ा। मैंने सही कहा, थैंक यू वेरी मच। फिर एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई शक तो है नहीं। यस, sir and Akshma for giving us such a wonderful performance. Thank you. So, ab bulate hain apne fourth and last finalist ko, Sharanya. So, as always, Sharanya, you're looking really beautiful. Thank you so much. So, first question, how's your experience? Ab tak grand finale tak pahunchna, आपने तो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये प्लीज डोंट से अच्छा बहुत अच्छा बहुत फैंटास्टिक लगा यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखी, इतने फ्रेंड्स बनाए कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लेकिन मतलब इतनी सारी चीज़ें कैसे बताओ बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिला है, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हम आपके लाए एक सरप्राइज, सो लेट्स हैव अ लुक फॉर योर सरप्राइज। सो परफॉर्मेंस तो जैसा कि इसने मतलब प्रैक्टिस किया था, मतलब उससे तो मैं बता नहीं सकती कि इसने कितना अच्छा किया, और मैं एक्चुअली वो फील कर रही थी कि जब मतलब हस्बैंड की बॉडी आती है तो वो बड़ा एक है कि भाई कैसे वो रिएक्ट करती है, कि जिसने हमारे लिए इतना बड़ी दान दिया है। क्योंकि आप क्लासिकल डांसर हो, मैं समझ सकता हूँ दो दो फॉर्म मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो इतना जज नहीं करूँगा मैं उस पर, लेकिन एडवाइस करूँगा अगली बार जब भी आओगे ना नेक्स्ट राउंड में, तो आप और वेरिएशंस लेकर आओ, वेस्टर्न में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है आपको। दो चार कपड़े और पहन लेते, कुछ बच्चा था तो। नहीं नहीं, परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ इतने ही काफी है। बने क्या हो आप? अभी पेश करेंगे आपके पेश हो जाएगा, मतलब ये तो अकबर की कोई थीम है।
शायद शायद रेडियो एकदम फुल टू बिंदास ठीक है ऑल द बेस्ट फ्लावर सी है जिसमें लावण्या सुंदर सी है जो कन्या आ रही है शरण्या बड़ी सुंदर टैगलाइन है वैसे आपकी थैंक यू उससे ज्यादा सुंदर है बोलने वाला ओहो तो आज क्या परफॉर्म करोगे आप अभी आप देख लीजिएगा खुद ही वो तो मैं देखूंगा अंदर थोड़ी ना मिले सीट फिक्स है ना वहाँ पे अच्छा ओ यस यू डोंट नो नो व्हाई आपकी इंग्लिश थोड़ी व्हाई इट्स ब्रिटिश एक्सेंट वाओ ब्रिटिश एक्सेंट ये भारी बरता तीन दिन है किसी को क्या बोल नहीं सकता क्या इंग्लिश यार तुम डिमोटिवेट करते हो मेरे को दिस इज नॉट फेयर सो जस्ट स्टार्ट योर परफॉर्मेंस श्योर ऑल द बेस्ट थैंक यू वेलकम आज मेरे को एक्चुअल में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर मतलब हर बार का तो आप अच्छा है गणेश एक मिनट हर बार आप अच्छा परफॉर्म करते हो लेकिन आप ना जैसे वेस्टर्न थोड़ा सा जैसे पहले वीक था ना आप बहुत ग्रो कर रहा है आपका मुझे याद है कि आपकी मम्मा ने बोला था कि आप कोई दो ध्रुव तारों को आप अपनी परफॉर्मेंस डेडिकेट कर रहे हो मैम मैं पूछना चाहूंगी कौन है दो ध्रुव तारे तानसेन के हेड है मुझे एग्जैक्टली नहीं शायद मिस्टर गौरव है इनका नाम इन्होंने उस टाइम पे हमें एक दिशा दी थी कि भाई इसमें टैलेंट है अगर वो नहीं शायद हमको गाइड करते तो शायद हम शरण्या को कभी डांस में इतना डालते भी नहीं क्लासिकल उसके बाद उसने किया उसके बाद जो ये BBIS का मंच है वहाँ से मैं कहूँगी मुझे एक जो सबसे अच्छा मुझे और शरण्या के डांसिंग जर्नी में जो एक वो हुआ कि वेस्टर्न कभी उसने वेस्टर्न ट्राई नहीं किया था लेकिन अमन सर वो दूसरे ध्रुव तारे हैं पहले है ये मतलब अमन सर ने जो बोला था कि मैं आपका देखना चाहता हूँ तो शरण्या ने और मैंने उसको इतना पॉजिटिवली लिया और मतलब हम चाहते थे कि अमन सर के मुंह से ये सुने कि आपने ग्रो किया है तो शरण्या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाए इन फ्यूचर ये दो ध्रुव तारे हमेशा शरण्या के कहीं वो बोलेगी बताएगी तो इन दोनों ध्रुव तारों का जिक्र जरूर रहेगा En sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Esto se va a hacer que calo. तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा शरण्या मुझे नहीं पता था आप ही मेरे को ये सरप्राइज देने वाले मेरे को अच्छा लगा अच्छी बात ये लगी कि मैंने कुछ बोला और आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया वह किया और आपने करके दिखाया शरण्या मैं कुछ नहीं बोलूंगा शरण्या वैसे तो हैं क्लासिकल डांसर और कथक सीख रही हैं लेकिन डांसिंग स्टार में मौका मिला अलग अलग डांस फॉर्म सीखने का और आज वेस्टर्न हो बॉलीवुड स्टाइल या सेमी क्लासिकल शरण्या हर डांस फॉर्म बहुत अच्छे से निभा लेती हैं शरण्या ने अपने हुनर को हर कदम पर निखारा हर राउंड की हर एक परफॉर्मेंस में सबकी वाहवाही बटोरी और हाँ एक ध्रुव तारा भी तो हाथ लगा और आज शरण्या है हमारे टॉप 4 पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में बाल भवन और डांसिंग स्टार टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शरण्या सो शरण्या फ्लैशबैक में जाके कैसा फील हो रहा है और एनर्जी आई आपके पास यस सो ऑल सेट फॉर द परफॉर्मेंस यस ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस थैंक यू Thank you.
रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 आज ना सोया सारी रात दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर परफॉर्मेंस सीरियसली मैन दैट वाज सुपर फैंटास्टिक तालियां कहां चली गई थैंक यू ईटन को समझाया था तुमने इतना करना है क्या नहीं क्या बात है
शनाया के सपोर्टर्स भी बहुत हैं आज। शरण्या। ओ सॉरी। इस बार कौन? सॉरी शरण्या। स्टेज पे। छोटी मोटी गलती तो बड़े एक्ट्रेस भी करते हैं। बड़े एक्टर्स। ओ माय। ये बड़ी देर से ये आग फड़क रही है ना तो। कोई नहीं चलेगा। तो आपके साथ आज कौन आया? बहुत। क्या? मौसिया। मतलब? भैया। ताऊ जी, ताई जी, मम्मी पापा तो। और कोई रह गया तो कॉल कर लो, मैं वेट कर लूँ। नहीं। एंड स्पेशली मेरी दीदियाँ। अच्छा दीदियाँ, तो छोड़ा किसको है फिर? चाचा, चाची, ताई, पता नहीं। अरे हाँ, मौसा जी भी। मौसा जी भी हैं? तो बुला ही लेते हैं सबको स्टेज पे। नहीं, मारने आ रहे हैं एकदम से, इतने सारे लोग। आराम से ही और स्टेज पर आ जाइए प्लीज। सब एक एक करके आना, एक एक करके आना। तो जैसे कि सबको पता ही है, शरण्या तो अच्छी डांसर है, तो आप सब लोगों में कुछ टैलेंट तो छुपा होगा। बिल्कुल है ना? तो वो टैलेंट आज नहीं छुपा है, लेकिन आज उसको बाहर निकालने की बारी आ गई है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं BBS मैनेजमेंट टीम को थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, हम तो स्टेज में जाने अनजाने कभी ऐसे खड़े नहीं हुए, पर आज शनाया की वजह से और BBS मैनेजमेंट की टीम की तरफ से हम यहाँ पर खड़े हैं। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, वी आर हेयर और वी आर प्राउड ऑफ फील, वी आर फीलिंग प्राउड दैट वी आर मौसीज ऑफ शनाया। मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं BBIS का भी पार्ट हूं, और बच्चा कोई भी जीते, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो अंडर 10 में आए, चाहे अंडर 15 या इनिशियल उसमें। और मैं कई चीज़ में बोल चुका, एक हम मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा ईशान फैंसी ड्रेस वालों का, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए काफ़ी मेहनत करी है। उन्होंने ड्रेसेस के लिए कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, तो आज वो जो भी ड्रेसेस के लिए आपको दिख रहा है कि उसमें ग्रेस आ रही है, वो ईशान फैंसी ड्रेस वालों का है। स्पेशली वहाँ पे एक लेडीज़ एंड जेंट्स हैं, मैं सबके बारे में तारीफ़ कर चुका हूँ, सारी फैमिलीज़ के बारे में तारीफ़ कर चुका हूँ, बस वही छूट गए थे, इसलिए मेरे को थोड़ा मलाल हो रहा था कि कहीं मैं नहीं। पूरी जर्नी में दीपिका मैम, ईशान फैंसी ड्रेस और किशोर सर, इन तीनों का नाम कहीं ना कहीं रह गया था, तो मुझे ये था कि जब हम ग्रैंड फिनाले में आएंगे तो जो है दीपिका मैम और ईशान फैंसी ड्रेस और किशोर सर मैम, इनको दिल से थैंक्स गाइडेंस के लिए मैम। थैंक यू मैम। ये मलाल नहीं था मैम, ये रात को कॉल आया था, ये हमारा नाम भी। थैंक यू वेरी मच शरण्या, थैंक यू। आज तो हमारे चारों फाइनलिस्ट पूरी जोश में थे, मजा ही आ गया। हाँ तो होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तो फिनाले था और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तो वैसे भी देंगे ना। जी हाँ, डांस वाकई में एक मिनी वेकेशन है, इट जस्ट टेक यू टू अनदर वर्ल्ड। हाँ, डांस की पूरी जो कोरियोग्राफी होती है ना, वो तैयार करने में ना बहुत दिक्कतें आती होंगी इन्हें। बिल्कुल, और आज ग्रैंड फिनाले के दिन एक बार इस स्टेज पर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस तो बनती है। बिल्कुल। सो आई इनवाइट द मेंटर्स एंड द स्टूडेंट फॉर द ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस।
दिल संभाला, साथ पर दिल गया, भूले हम तो जहां को याद जो मिल गया। मैं हूँ और तू है, दिल का रास्ता दिल के थ्रू है, बड़ी फीलिंग थोड़ी न्यू है, जान ले। मैं हूँ और तू है, पूछता क्यों, what to do है, मस्तियाँ तो अब शुरू है, नाच ले। इस शो को, इस इवेंट को एक इस खूबसूरत खुशनुमा शाम तक लेकर आने में हम सब ने एक टीम की तरह काम किया है। As I said, teamwork divide the task, but multiplies the success. और आज हम इसी सक्सेस को सेलिब्रेट और ऑनर कर रहे हैं। It is the moment when we would love to present a token of respect to our guest of honor. We have among us dance guru Miss Nisha. I request Sandeep sir and vice principal ma'am to please join us on the stage and present a token of regards to Miss Nisha. Again, taking a moment of your time, this is also the moment when we would love to honor all the team members and all the mentors who've been associated with us. It is for their dedicated hard work, it is for their commitment that we stand here today. So I request Director Sports Sandeep sir and Vice Principal ma'am, Jaspreet ma'am, to please do the honors. And I request all the team members of Dancing Stars to please be here on the stage with us. It is time to have our dance mentors first. Mr. Aman. Ms. Manju, Ms. Deepika, Ms. Archana, Ms. Jyoti. It is our bad luck that we could not have Sunita ma'am to join us today. Unfortunately, she couldn't be here with us today. So on behalf of Sunita ma'am, I request Jackie sir to please accept the honor. Babita ma'am, Ramneek ma'am, to please join us here on the stage. Ma'am, please. Ramneek ma'am and Babita ma'am, the in charges who were there for the website content, for all the good things that you saw on the BBIS Dancing Star website. So I request Babita ma'am, Ramneek ma'am, to please join us. Our gratitude is due to both of them. Thank you so much, Geeta ma'am. I request Geeta ma'am also to join us. It was really your dedication and throughout your presence made this event successful. I request you to be here with us. Please join us ma'am. Definitely. Thank you so much. I request each one of you to give a big round of applause to Geeta Neeraj Gupta ma'am. Ram sir to please join us, Jackie sir, the IT team has to be here. I request Reena ma'am and Nisha ma'am, Talia please rukni nahi chahiye. It is all of us who worked so hard for this moment, for this evening to be successful. So Nisha ma'am,
बहुत अच्छे से खूबसूरत शब्दों में तारीफ हुई थी हमारे दोनों एंकर्स की. तो तनिष्क एंड आराध्या आल्सो रिक्वेस्ट देम टू प्लीज टेक द ऑनर्स फ्रॉम अस. और जोर से एक बार तनिष्क और आराध्या के लिए. पीयूष जोशी, the student who is behind all the banners, behind all the IT, behind the editing work, Piyush Joshi here. Piyush, Aradhya, Tanish, students of Balbhavan International School, the part of the team. Ajay Bhaiya and Arjun Bhaiya, आपको कैसे छोड़ सकते हैं हम? Ajay Bhaiya and Arjun Bhaiya, आपसे विनती है, please, आपसे request है, आप लोग please stage पे आइए. Request all of you, puri team dancing stars ke liye ek bar. Ho jai! Hip hip! Hip hip! Hip hip! I request the team to please take their seats so that we can have the final moment when we are going to announce the results. I request Sandeep sir and VP ma'am to please be here on the stage with us. Now this is the moment we all have been waiting for. This is the time, this is that moment right from the beginning, from the inception of the show. It was very clear that the winner has to be one. Lekin ab wo winner kaun hai? Starting se hi, show ki shuruaat se hi, hame talash thi ek behtareen talent ki. Aur isi talash mein hum ab aage badh rahe hain. So I request all the four finalists to please adorn the stage. I want all of you again to give all the four contestants, they did their best, right? Tanishq, I'm using the word best again. Okay, so let's give them a huge round of applause once again. So, without wasting much of the time, I'll first announce the name of the runner-up, finalist. So, the runner-up trophy for BBIS Dancing Star Hunar Ki Khoj goes to Kashish. Please, Sandeep, it's very heavy. So congratulations. It's heavy. Yeah. Okay. Josh, bane rehna chahiye. Are you able to hold it? And the winner for today, the grand day that we were eagerly waiting for, BBIS first online dance reality show, the winner for today is Sharanya. गालियां रुकनी नहीं चाहिए. सो वी हैव द पार्टिसिपेशन एंड द फाइनल ट्रॉफीज फॉर शनाया. Happy? And Akshima. Okay. Please come. You have reached here, beta. That is the most important thing, right? Ma'am, I would like to call you mentor. Okay. Fine. You want to say something? Ma'am, I just want you to come here. मम्मा पापा
थैंक यू सो मच BBIS, VP मैम, स्पेशली पीयूष सर एंड द टीचर्स हु ऑल इन्वॉल्व्ड इन दिस इवेंट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड. Really, it's a very good opportunity to Sharanya as well as me too. Ki here I have no words to say for this Dancing Stars event, really. Thank you so much. Nahi bas main बहुत खुश हूँ मैं अभी, स्पीचलेस. बार बार बस मैं यही कहूँगी कि BBIS को अगेन 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 थैंक्स, बिग थैंक्स. शरण्या का जो ये टैलेंट है, सच में BBIS हुनर की खोज की वजह से शरण्या का टैलेंट हमें भी पता चला है. थैंक यू सर. पूरी टीम को आपके बहुत बहुत थैंक यू. एंड थैंक्स टू अमन सर टू. थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स. मैं सब पेरेंट्स के साथ हूँ. अगली बार और भी नए जोश और भी नए उत्साह के साथ, एक नए शो के साथ और एक नए चैलेंज के साथ. थैंक यू वेरी मच. I'm gonna make it.